तो आज हम बात करेंगे इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, जो कि एक हॉरर फिल्म है और इस फिल्म की कहानी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई नो मैं आपको अपनी वीडियो के लिए काफ़ी वेट कराता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ पर्सनल रीजंस के चलते ही होता है। आई नो आप समझोगे। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम मार्गरेटा नामक लेडी को देखते हैं, जो कि अपने और अपने हस्बैंड पीटर के लिए डिनर रेडी कर रही थी। और इधर पीटर एटिक में अपना कुछ पुराना सामान ठीक कर रहा था, और तभी उसे वहाँ एक ओल्ड एंटिक रेडियो मिलता है, जिसे वो रिपेयर करके ऑन करता है। तो उसे उसमें से किसी लेडी की स्क्रीम सुनाई दे रही थी, जो उसे कहती है कि चुप रहो और वो हमें सुन सकता है। और इतना सुनते ही पीटर डर कर रेडियो को ऑफ कर देता है। फिर पीटर उस रेडियो को फिर से ऑन करता है और वह देखता है कि उसके सामने एक लेडी की एंटिटी खड़ी है। और देखते ही देखते वो पीटर के पास आना शुरू करती है, जिससे डर कर पीटर रेडियो को फिर से ऑफ कर देता है, जिससे वो एंटिटी गायब हो जाती है। लेकिन वो रेडियो ऑन होते ही वापस आ रही थी, और तभी वो एंटिटी पीटर पर बुरी तरह अटैक कर देती है, जिससे पीटर काफ़ी बुरी तरह स्क्रीम करता है और उससे मार्गरेटा भी डर जाती है। पीटर उस एंटिटी से पोजेस्ट हो चुका था, इसलिए वो मार्गरेटा पर भी अटैक करता है, जिससे मार्गरेटा को भी काफ़ी जगहों पर चोट लग जाती है। उसके बाद हम पीटर और मार्गरेटा की बेटी एमा को देखते हैं, जो कि एक एस्पायरिंग सिंगर थी, और वो अपने बॉयफ्रेंड सेबा के साथ रह रही थी, जो उसे हर चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करता था। लेकिन एक बार एमा ऑडिशन में एक क्रीपी आदमी से डर जाती है, जिससे वो सिंग नहीं कर पाती, और वो ये ऑडिशन छोड़कर सेबा के पास वापस आ जाती है, और सेबा उसका वहाँ भी हौसला बढ़ाता है। तभी एमा के पास मार्गरेटा का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, इसलिए एमा और सेबा इटली के लिए निकल जाते हैं। वहाँ एमा अपनी मॉम से मिलती है, और उसे भी काफ़ी जगहों पर चोटें लगी हुई थी, और एमा को डॉक्टर बताते हैं कि उसकी डैड को ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसलिए उन्हें आईसीयू में रहना होगा, और साथ में उसकी मॉम की ट्रीटमेंट भी वहीं से होगी, इसलिए डॉक्टर मार्गरेटा को भी एडमिट कर लेते हैं। मार्गरेटा काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए वो एमा को कहती है कि जब पीटर उस पर अटैक कर रहा था तो वो पीटर नहीं कोई और था, और ये एमा फिलहाल समझ नहीं पाती। मार्गरेटा एमा को घर जाने को भी मना करती है, क्योंकि उसे पता था कि घर में कोई एंटिटी है। लेकिन एमा अपनी मॉम की बात नहीं सुनती, क्योंकि जब उस पर अपना घर है तो वह किसी होटल में क्यों रुकेगी। और एमा डिसाइड करती है कि वह सेबा के साथ अपने घर चली जाएगी। फिर वह दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एमा सेबा को उसका होम टूर कराती है, और वहाँ पीटर ने एमा के लिए एक साउंड प्रूफ रूम भी बनवा रखा था, ताकि एमा वहाँ सिंगिंग कर सके। उन दोनों को भूख लगी थी, तो सेबा एमा की बाइक साइकिल से खाना लेने चला जाता है, और वो कार इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि जस्ट इन केस एमा को तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़े। इधर एमा पीटर का टाइपराइटर देखती है, जिसमें हेल्प लिखा हुआ था, और ये देखकर उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। उसके बाद एमा घर की थोड़ी सफाई वगैरह करने लगती है, और उसे अपने डैड की बहुत चिंता हो रही थी। इधर सेबा पास के फूड ट्रक के पास जाता है, और वहाँ एक आदमी भी बैठा हुआ था। सेबा गलती से अपना वॉलेट भुलाता है, जिसके बिना फूड ट्रक वाली लेडी उसे खाना नहीं देती, और पीछे से सेबा की बाइसाइकिल भी चोरी हो जाती है, जो कि वो आदमी ले जाता है क्योंकि वो एक चोर था। घर के काम करके एमा अपने पुराने रिकॉर्ड सुनने लगती है, और ठीक 9:30 बजे वो एंटिक रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। लेकिन एमा ने हेडफोन्स लगाए हुए थे, इसलिए वो रेडियो को सुन नहीं पाती। लेकिन तभी उसे उसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे चुप रहने को कहती है, और इससे एमा अपने हेडफोन्स हटा देती है, और वो रेडियो की आवाज़ सुनती है, जिससे वो बंद करने जा रही थी। लेकिन बार बार उसे उसी लेडी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और एमा देखती है कि वहाँ वही एंटिटी खड़ी है, जिससे एमा डरने लगती है। जैसे ही एमा रेडियो ऑफ करती है, तो वह एंटिटी गायब हो जाती है, और ऑन करते ही वो आ जाती है, और ये देखकर एमा समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एमा को सेबा का कॉल आता है, लेकिन फ़ोन दूसरे रूम में था, और एमा को घर के अलग अलग जगहों पे वही लेडी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही एमा सेबा का कॉल पिक करती है, तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, जिससे एमा सेबा का कॉल पिक नहीं कर पाती। फिर सेबा एमा के घर का लैंडलाइन ट्राई करता है, लेकिन एमा रिसीवर उठाकर रख देती है, और सेबा कॉल कनेक्ट करके चलता रहता है। इधर एमा को एक आदमी की भी एंटिटी दिखती है, जिसकी एक आंख खराब थी,
और वो आदमी एमा पर अटैक करता है, लेकिन वो एकदम से गायब भी हो जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। एमा टाइपराइटर पर दोबारा देखती है तो उसे उसमें दूसरा हेल्प वर्ड लिखा मिलता है, और जैसे ही एमा उसमें हु आर यू टाइप करती है तो उस आदमी की एंटिटी टाइपराइटर को उठा ले जाती है, जिससे एमा काफ़ी डर जाती है। एमा दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ उसे दूसरी लेडी की एंटिटी दिखती है जो रेडियो ऑन करके भाग जाती है, और ये एंटिटीज तब तक उसे दिखेंगी जब तक वो रेडियो ऑन है। तभी वहाँ उस आदमी की एंटिटी एमा पर अटैक करती है, लेकिन उस लेडी की एंटिटी उस रेडियो को तुरंत ऑफ कर देती है, जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। डर कर एमा अपने म्यूजिक रूम में चली जाती है और उन एंटिटीज की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, और तभी एमा उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। तो तभी वो आदमी एमा पर चिल्ला कर कहता है कि वो उसे मारना चाहता है। इधर सेबा घर पहुँच कर बैल बजाता है, लेकिन एमा उसे सुन नहीं पाती क्योंकि वो साउंड प्रूफ रूम में थी। इसलिए सेबा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से घर में जाता है और एमा को ढूंढने लगता है। एमा अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाती है और वो सेमा को मैसेज करती है, लेकिन उसे मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे थे। तभी वहाँ मौजूद वॉशिंग मशीन सिंग करने लगती है, जिसकी साउंड से उस आदमी की एंटिटी सेबा पर भी अटैक करती है और वो काइंड ऑफ बेहोश हो जाता है। एमा सेबा को मैसेज किए जा रही थी, जिससे उसकी मैसेज टोन बज रही थी, और एमा उस टोन को फॉलो करके सेबा के पास पहुंचती है, जहां वो थोड़ा इंजर्ड बैठा था। एमा सेबा को संभालती है और लिखकर समझाती है कि वो कुछ आवाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंटिटी सिर्फ आवाज़ होने से विजिबल होती हैं। एमा टीवी की आवाज़ को काफ़ी तेज़ कर देती है ताकि वह एंटिटी को देख सके, लेकिन सेबा उस आवाज़ से इरिटेट होने लगता है क्योंकि वो शायद पोजेस्ड हो चुका था, और एमा उसे म्यूजिक रूम में उन एंटिटीज़ की आवाज़ सुनाने की कोशिश करती है ताकि सेबा समझ सके कि यहाँ कुछ नेगेटिव पावर्स हैं। लेकिन सेबा को हेडफोन में किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। एमा सेबा को ढूंढने लगती है तो उसे सेबा ड्राइंग रूम में पोजेस्ट बैठा मिलता है, और उसे उस आदमी की एंटिटी ने पोजेस्ट कर लिया था। एमा समझ जाती है कि इसी गोश्त ने उसके पेरेंट्स को हर्ट किया है। एमा समय रहते वहाँ से भागती है, और तभी उस तीन लड़की की एंटिटी उसे धक्का दे देती है, जिससे एमा उन एंटिटी के सिनेरियो में पहुँच जाती है। वहाँ एमा उन दोनों लेडीज़ को देखती है जो उसे बार बार दिख रही थी, और ये देखकर एमा समझ पाती है कि ये दोनों माँ बेटी हैं। तभी वहाँ उस आदमी की एंटिटी भी आती है, और एमा देखती है कि उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों लेडीज़ भी अपना मुंह बंद रखती थी। तभी खाना देते हुए गलती से एक पॉट गिर जाता है, जिससे वो आदमी एग्रेसिव होने लगता है, और इधर गलती से उस लड़की से रेडियो भी ऑन हो जाता है, जिससे वो आदमी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटी को काफ़ी बुरी तरह हर्ट करता है। वो आदमी अपनी वाइफ का बुरी तरह गला दबाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, और अपनी मॉम को बचाने के लिए वो लड़की अपने डैड के दिल के पास सीजर को स्टैब कर देती है, लेकिन वो आदमी अब भी नहीं रुकता और वो दोनों को मार के खुद मर जाता है, क्योंकि उसके दिल में सीजर घुस चुकी थी। और इससे एमा समझ जाती है कि वो आदमी उस रेडियो से परेशान हुआ था, जिससे उसने अपनी फैमिली को मार दिया। फिर सेबा एमा पर अटैक करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे एमा खुद को छुड़ा लेती है। सेबा एमा को ढूंढने लगता है, लेकिन एमा सेबा को ट्रिक करके म्यूजिक रूम में बंद कर देती है और फ़ोन से काफ़ी लाउड म्यूजिक चला देती है, जिससे उस आदमी की एंटिटी परेशान होने लगी थी, इसलिए सेबा उस स्पीकर को तोड़ देता है। एमा घर के टीवी को ऑन करके उनकी आवाज़ बढ़ा देती है और खुद एटिक में चली जाती है, जहां सेबा भी आता है, और तभी एमा रिमोट से घर के फायर अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे सेमा में मौजूद वो एंटिटी तड़पने लगती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है तो अप्लायंसेस ऑफ हो जाते हैं। तभी वहाँ दोनों फीमेल एंटिटीज आ जाती हैं और वो एमा का हाथ पकड़ लेती हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था, और इससे पहले वो एमा को मारे वो तीनों मिलकर एक साथ स्क्रीम करती हैं, जिससे वो एंटिटी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस आदमी की एंटिटी वहाँ से भाग जाती है, और सेवा ठीक हो जाता है और वो दोनों फीमेल एंटिटीज भी आज़ाद हो जाती हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और एमा अपना सिंगिंग करियर बनाना चाहती थी, और उसमें सेबा उसका बहुत साथ देता है, लेकिन उस चोर को जिसने सेबा की बाइसिकल चुराई थी उसे वो रेडियो ट्रैश में पड़ा मिलता है, और वो उसे एक एंटिक म्यूजियम में काफ़ी सस्ते में बेच देता है। उस म्यूजियम में एक लेडी एक ओल्ड पेंटिंग को खोलती है और कुछ फोटोग्राफ लेती है, लेकिन तभी उसके पीछे से उस पेंटिंग में से हम किसी घोस्ट को आता देखते हैं, जो उस लेडी पर अटैक करने आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो लेडी पलटती है तो वहाँ कोई नहीं था, और तभी उसे वहाँ वही लेडी दिखती है जो कि पेंटिंग में थी,
और वह उस पेंटिंग से बार बार बाहर आ रही थी। और देखते ही देखते वो लेडी उस म्यूजियम वाली लेडी को पेंटिंग के अंदर खींच लेती है, और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस पेंटिंग को पूरी फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया, इसलिए हो सकता है डायरेक्टर्स इस फिल्म का दूसरा पार्ट लाना चाह रहे हों जिसमें ये पेंटिंग वाली लेडी गोस्ट होगी, और मुझे तो यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।